हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज सिडनी गौतम और आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ हिस्ट्री व्हिच विल बी कमिंग इन योर सीईटी 2025। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो केपी क्लासेस है सीयूटी में हर स्ट्रीम की क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। केपी क्लासेस ऑफरिंग यू क्लासेस फॉर एवरी स्ट्रीम, आइदर यू बिलोंग टू द ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस। And if you want to enroll with us for the CET 2025, because हमारी seats already open हो चुकी है, तो आप description पर link दिया हुआ है, directly you can enroll with us. Or if you want to know the teaching method of the respective faculty which will be teaching you in the respective subjects, so you can also have the demo or you can also watch the demo. उनका link भी description box में given है. So चलिए start करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं history के syllabus की. तो यूनिट अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, फाइट ऑफ ब्रॉडली कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, तो सबसे पहले बता दूं जितनी भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स रखे, आपको पता होगा हिस्ट्री में आप 3 बुक्स और सारी बुक्स में से सारे चैप्टर्स आपके सीयूटी में आते हैं। जी हाँ, बाकी बहुत बच्चों को लगता है कि जो कोर्स में डिडक्टेड पार्ट है वो नहीं आता, बट वो भी आता है। यानी कुछ भी पोर्शन डिडक्टेबल नहीं होता आपके सीयूटी में, सीयूटी में हर चीज आती है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 आता है जिसमें आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन बना है, फिर आपका हाउ इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी बताया है जिसमें गुप्ता पीरियड, अशोकन इंस्क्रिप्शन सब जो चीज की बात हो रखी है, फिर आपका महाभारत आ जाता है, चीके किंगशिप क्लासेस ये सब आ जाता है, फिर आता है बुद्धिज्म, चीके जो 4 चैप्टर है, फिर मेडिवल थ्रू, इसमें हम फ्रैंकिस बर्नियर, एल्विन रीड, इन सबके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपका भक्ति सूफी आता है, वही सेम तीनों बुक्स के सारे चैप्टर्स, हम्बी के बारे में पढ़ते हैं, आईने अकबरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मुगल कोच के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, ठीक हो गया, कॉलोनियलिज्म ये आता है, महात्मा गांधी आता है, ठीक है, उसके बाद पार्टीशन थ्रू ऑरल रिसोर्सेस ऑफ एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माय फेवरेट चैप्टर एंड दिस दैट्स ऑल। तो आपका सीयूटी में हर एक चैप्टर आता है, आपके तीनों बुक्स में से हर एक चैप्टर आता है। तो चलिए एक चैप्टर पढ़ते हैं हम, किंग्स फार्मर्स एंड डाउट, उसके बिहाफ यू गेट टू नो आर टीचिंग मेथड ऑफ द हिस्ट्री फैकल्टी, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट बुक, दैट इज किंग फार्मर्स एंड टाउन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये जो चैप्टर डील करता है 600 BCE to 600 CE, राइट। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक आता है प्रिंसिप एंड पियोलॉजी, सबसे और उससे पहले वाला जो मेजर टॉपिक है बेटा जी वो है आपका एपिग्राफिस्ट और एपिग्राफी। तो एपिग्राफिस्ट और एपिग्राफी कौन होते हैं ये जानते देखिए। एपिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड एपिग्राफिस्ट इज अ स्टडी, बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन, ठीक है, क्या हो। चलिए सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज किंग फार्मर्स एंड टाउन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हु आर एपिग्राफिस्ट और एपिग्राफी क्या होती है। तो एपिग्राफिस्ट एज द नेम सजेस्ट, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड एपिग्राफिस्ट आर द पीपल हु स्टडी द इंस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को बोलेंगे एपिग्राफी एंड जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एपिग्राफिस्ट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इंस्क्रिप्शन होता क्या है, तो बेटा जी इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन आर द मटेरियल विच इज इंग्रेव्ड इन द हार्ड सरफेस, यानी कुछ भी लिखा पढ़ाई हो, कैसे भी साइंस कैसा भी स्ट्रक्चर, अगर किसी हार्ड चीज को लिखी हुई है उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जैसे कि रॉक, मटीरियल, पिलर्स, राइट, वो हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन। अब एक बात आती है कि प्रिंसिप और पियादर्शी क्या होता है, तो प्रिंसिप और पियादर्शी सबसे पहले बात करेंगे बेटा ये नाम हो गया प्रेजेंट टू बी होल्ड, मतलब स्टार्टिंग में जो सेंचुरी है 600 BCE to 600 CE उस टाइम पे काफी सारे राजाओं को प्रिंसेप या पियादर्शी के नाम से बोला जाता है। अब प्रिंसेप या पियादर्शी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, विच मीन्स कि ये क्या है, भगवान के ही पुत्र है, ये सन ऑफ द गॉड्स है, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ब्राह्मणी और खरोष्टी की किसने डिसअपीयर करी थी, बेसिकली द स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मणी एंड खरोष्टी वाज डिसअपीयर्ड बाय हूम, तो बेटा जी मेन ऑफिसर थे एक जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणी और खरोष्टी को डिसअपीयर किया था, ठीक है, डिसअपीयर का मतलब होता है पढ़ना किसी चीज को। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वो जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप वाज अ मेंट ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ही वाज अ वेरी फर्स्ट पर्सन हु रेड द ब्राह्मणी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है, प्रिंसेप और पियादर्शी का मतलब मैंने समझा दिया। तो ये वाला हमारा पेज होता है खत्म। नेक्स्ट मैंने आपको बता दें इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन आर द राइटिंग एंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोटली, बेसिकली द वर्क और द फंक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शन इज टू रीड आउट और टू गैदर ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द पीरियड टाइम, राइट।
सेटल डाउन, ठीक है, जहां पे लोग कदम रख के अपने आप को सेटल करते हैं, यानी कि जहां पे एक ऐसी टेरिटरी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं जनपद क्या होते हैं, एक ऐसी टेरिटरी जहां पे लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। तो महाजनपद क्या हुआ, महाजनपद वो स्टेट्स होती हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में काफी सारे स्टेट्स आउट ऑफ सिलेरी, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, ये मोस्ट पावरफुल है, तो इनको महाजनपद बोल देंगे। तो जनपद टेरिटरी जहां पे लोग सेटल डाउन होते हैं, महाजनपद टेरिटरी विच आर more powerful than the other respective states, right? So 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास 16 सेंचुरी में इमर्ज होते हैं, ठीक है, और इस टाइम में काफी डेवलपमेंट होती है, जैसे महाजनपदास का आना, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र का आना, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे रिलीजन का भी ग्रो होना, ठीक है। तो बात करते बेटा जी 16 महाजनपदा, जैसे कि क्या क्या है, वाजी, मगध, कौशाला, ठीक है, पांचाला, एक सेकेंड, वाजी, मगध, कुशाला, कुरु, बंजार, भंडारा, अमंती, और ये ऐसे कई सारे हमारे पास होते हैं महाजनपदास, ठीक है, ये हो गया महाजनपदास। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जनपदास मैंने अभी आपको ऑल दो बताया, जनपदास मीन द लैंड वेयर आर जना सेटल फूड्स और सेटल्स, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हो गया हमारा, मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है, हमारे पे महाजनपदास भी मर्ज हुए, यानी देखो क्वेश्चन भी आता है सिक्स सेंचुरी क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी आता है, तो सिक्स सेंचुरी से इम्पोर्टेंट है, यानी कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर, जैसे कि धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति, मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे काफी सारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पर लिखे गए थे। दूसरा, महाजनपदास यहाँ पे आए थे, ठीक है, महाजनपदास का डेवलपमेंट होता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, रिलीजन का डेवलपमेंट होता है, दैट्स व्हाई सिक्स सेंचुरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ईच महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, जितने भी महाजनपदास सबकी क्या होती है, क्या नाम है, कैपिटल सिटीज होती है, ठीक है, तो ईच महाजनपदास हैज इट्स ओन कैपिटल सिटी व्हिच वाज फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब है जैसा फेंसिंग हो रखी होती है, सो दैट इट कुड बी, यानी कि दैट पर्टिकुलर टेरिटरी कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा जी हमारा कौन सा, मगध, मगध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑल ऑफ द क्या नाम है, जितने भी हमने महाजनपदास पढ़े, यानी कि जितने भी 16 महाजनपदास, सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदा आता है कौन सा आपका जी, आपका आता है मगध। अब मगध अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अगर मैं देखूं तो ये कब का आपका कैसे था, क्यों, व्हाट आर द रीजन जो कि मगध को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सबसे पहला तो आ गया कि यहाँ की जो सॉइल थी, ठीक है, यहाँ मतलब ये जो ऐसे एरिया में जो सिचुएटेड था वो एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल था, तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रॉस्परस इन दैट टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब एलिफेंट फुल सोल्जर, हर तरह की आर्मी इनके पास थी, ठीक है, माइंस थी, आयरन, आयरन इंपॉर्टेंटली ज्यादा यहाँ पे ग्रो होता था, एलिमेंट्स जो एलिफेंट्स था उनकी आर्मी देखी गई यहाँ पे, गंगा और ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो मगध था वो गंगा के आसपास सिचुएटेड था, जिससे पता लगता है कि उनका एरिया फर्टिलाइज है, जिससे एग्रीकल्चर वाज प्रॉस्परस इन दिस टेरिटरी। सेकेंडली, गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो मींस ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली बात है, यानी कि गंगा जहाँ पे है तो वहां से आप आसपास जाके अदर कंट्री, यानी जो अदर टेरिटरीज है, जो अदर किंगडम्स है, उनसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे कि आपने अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें एक ऑनर में पॉट मिलता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामिया वन, राइट, ये हो गया, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मगध की स्टार्टिंग में कैपिटल थी राजगृह, या जिसको हम राजगृह बोलते हैं, बट इन द फोर्थ सेंचुरी द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, ठीक है। क्वेश्चन आता है कौन सी सेंचुरी में आई थी, क्या नाम है, फोर्थ सेंचुरी में शिफ्ट हो गई थी राजगृह से पाटलिपुत्र, ठीक है बेटा जी। लास्ट में भी बेटा एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया है, अगर आप प्रीवियस ड्यूटी देखोगे तो प्रीवियस ड्यूटी में भी यहां से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए होंगे इस चैप्टर से, ठीक है।
अब आ जाओ ग्रोथ ऑफ एम्पायर, अब आ जाओ फाइंडिंग आउट द मॉरल। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या सोर्सेज है थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट दैट के मॉरल एम्पायर वहां पर एग्जिस्ट करता था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉरल एम्पायर का मॉरल एम्पायर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य वर द फर्स्ट पर्सन हू फाउंडेड द मॉरल एम्पायर। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे थे जिनका नाम था बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद क्या आता था, उसके बाद जो इनके फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंड सन थे जिनका नाम था अशोक, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर एम्पायर को फॉर्म किया था, एस्टैब्लिश किया था, और अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन है उन्होंने इस एम्पायर को और डेवलप और एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगता है, सबसे पहले बात करते बेटा अशोक ने काफी सारे इंस्क्रिप्शन पिलर्स पे, मतलब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन उन्होंने प्रोवाइड कर रखे थे अशोक पिलर से, हमें पता लगता है इनके बारे में, इन पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में, दैट इज मौर्य एम्पायर। प्लस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गेटिंग नो अबाउट द मौर्य एम्पायर इज कौटिल्य। कौटिल्य या कि हम चाणक्य बोल सकते थे, ये गुरु है अशोक के, ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये कौटिल्य, और इनको एक और नाम जाना जाता है जिसका नाम है चाणक्य। आप चाणक्य क्या थे, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अगर आपके दिमाग में पढ़ोगे अर्थशास्त्र से इससे पता लगता है कि भैया ये तो किसके बारे में बुक, ये तो क्या होगी, ये तो प्रॉपर किसके बारे में होगी, मनी रिलेटेड बात होगी, बट ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात में बात करता है। तो अर्थशास्त्र में काफी सारी चीजें दे रखी है मौर्य एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर जो यहाँ पे आया था मौर्य एम्पायर में, इंडिया आया था एट द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर, तो उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो हमें इंडिका से पता लगता है, सबसे पहली बात हो गई अर्थशास्त्र, दूसरा हो गया इंडिका, तीसरा हो गया हमारे अशोक पिलर्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है अशोक ने कलिंग वॉर के बाद में, ठीक है, क्या हुआ था कलिंग का आप उड़ीसा में, तो कलिंग वॉर के बाद में एक पॉलिसी का अडॉप्शन किया था जिसका नाम था धम्म पॉलिसी। क्या नाम था बेटा जी, धम्म पॉलिसी। अब धम्म पॉलिसी में साफ साफ मतलब है क्या है, धम्म, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बात करूं, धम्म रिलीजन वॉज वेरी सिमिलर टू द बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसमें धम्म रिलीजन यानी कि आफ्टर द कलिंग वॉर जब इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने कितना सारा खून खराबा मैंने देखा है, ठीक है, लेकिन जब अशोका कितना सारा खून खराबा देखा, डेड बॉडीज देखी, सो इवेंचुअली हिज हार्ट वाज कन्वर्टेड, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल नॉन वायलेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई ही अडॉप्टेड द धम्म रिलीजन, एंड धम्म रिलीजन को फैलाने के लिए इन्होंने अडॉप्ट किया धम्म महाभास। धम्म महावतार बोलते हैं या महात्मा बोलो, महावतास, ठीक है ना, धम्म महात्मा। धम्म महात्मा वर द ऑफिसर विच वाज अपॉइंटेड टू स्प्रेड द रिलीजन ऑफ धम्म ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो धम्म क्या हुआ, धम्म वाज अ रिलीजन विच वाज अडॉप्टेड बाय द अशोक, एंड धम्म महात्मा महावतार वाज द ऑफिसर विच वाज अपॉइंटेड बाय द अशोक टू स्प्रेड द रिलीजन ऑफ धम्म ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है बेटा जी। ये हो गया, हमें ये पता लग गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिकेशन काफी अच्छा था। उसके बाद आते हैं कि मॉरल एम्पायर में साफ साफ ये पता लगता है कि देखो मेगस्थनीज, मैंने भी आपको बताया मेगस्थनीज जो था उसने अपनी बुक लिखी थी जो इंडिका थी, उस बुक में कमिटीज के बारे में मेंशन था। क्या था, कमिटीज के बारे में मेंशन था, यानी कि वहां पे कमिटीज थी जो कि सिर्फ सिक्स सब कमिटी में डिवाइड थी, ठीक है। अगर हम देखेंगे, देखो मेगस्थनीज मेंशन अ कमिटी विद सिक्स सब कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो वो नेवी से डील करती, सेकंड देखें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, थर्ड देखें तो फूड सोल्जर्स, फोर्थ देखें तो हॉर्सेस, फिफ्थ देखें तो चैरियट्स, एंड सिक्स्थ फॉर द एलिफेंट। यानी कि सबसे पहली मिलिट्री क्या थी, सबसे पहली कमिटी क्या थी, नेवी, जो पानी के सोल्जर्स होते हैं। सेकेंड हो गया आपके ट्रांसपोर्ट से डील करने वाला, थर्ड हो गया आपका फूड सोल्जर, फोर्थ हो गया आपके हॉर्सेस, फिफ्थ हो गया आपका चैरियट्स यानी कि रथ, और लास्ट हो गया आपका एलिफेंट्स। तो मेगस्थनीज से मेंशन किया था कि मौर्य एम्पायर में देयर वर सिक्स सब कमिटीज जो कि अलग अलग मिलिट्री एक्टिविटीज से डील करती है, ठीक है बेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था ये वाली बात, अशोक ऑल्सो ट्राई टू होल्ड दिस एम्पायर फॉर द पॉलिसी ऑफ धम्म, द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वाज सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल, दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर द वेलबींग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। स्पेशल ऑफिसर नोन एज धम्म महावतार were appointed to spread the message of
दंगू, ठीक है बेटा। यहां से क्वेश्चन आ गए आपके। अब आ जाओ न्यू नोशन ऑफ स्किल्स, चीज चीज डाउन। इसका मतलब बेसिकली अब हमने बात करी नॉर्थ में, मगध जो है बैठ और नॉर्थ की तरफ सिचुएटेड था। बट अगर आपने शायद आपको एक मूवी देखी जिसका नाम है काशमोरा, ठीक है। काशमोरा में काफी ज्यादा चोला चीले से पांड्यास के बारे में बताया गया, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट मूवी काशमोरा, ठीक है। तो चीज एंड चीफ डकिंग्स की बात करूं, देयर वर थ्री एम्पायर जिसका नाम था वो साउथ में थे। क्या नाम था उनका? चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जो कि तमिल कव्य में मिलते हैं। तो चीफ, अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट चीफ एंड चीफ डक। तो क्या था बेसिकली चीफ कौन होता है? चीफ इज अ पावरफुल पर्सन जिसकी पोजीशन हेरिडिटरी हो सकती है या नॉन हेरिडिटरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन एंटायर सोसाइटी आई एम द वेरी पावरफुल, आई एम द वेल्थीएस्ट पर्सन अमंग ऑल ऑफ द पर्सन, ठीक है, लिविंग इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। तो आई मे बी कंसीडर टू बी एज अ चीफ एंड माय पोजीशन कुड बी हेरिडिटरी एंड नॉन हेरिडिटरी। व्हाई इज इट हेरिडिटरी? अगर मैं वेल्दी रहूंगी हर किसी के सामने, तो मेरी ऑब्वियसली पोजीशन जो मेरी आने वाली जनरेशन रहेगी वो ऑब्वियसली हेरिडिटरी रहेगी, ठीक है। और अगर मैं अभी वेल्दी हूँ, बाद में जब तक मेरी जनरेशन आती है, जब तक हम वेल्दी नहीं रहते, तो क्या होगा? वो मेरी पोजिशन किसी और को दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ द पावरफुलनेस, राइट। ये होता है बेटा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स में बात करें कुशाना रूलर। कुशाना रूलर्स क्या थे? बेसिकली इन्होंने अपने आप को देवपुत्र और सन ऑफ गॉड का नाम दिया था। देवपुत्र और सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आया था बेटा कुशाना रूलर के ऊपर लास्ट आपके सीयूटी 2024 में। तो इसमें बोला था कुशाना ने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम था देवपुत्र, इसका क्लियरली मतलब था सन ऑफ गॉड। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स थे अपने, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जनता थी, उनको ये बताते थे कि क्या नाम है, हम लोग सन ऑफ गॉड हैं, ठीक है, इस वजह से आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। यानी कि बेसिकली दे क्रेडिट देमसेल्फ टू बी अ सन ऑफ गॉड और वी और दैट्स व्हाई दे हैव अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र इन ऑर्डर टू एड्रेस एंटायर सोसाइटी दैट वी आर द गॉड, वी आर द सन ऑफ गॉड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट और यू हैव टू ट्रस्ट अस ब्लाइंडली, ठीक है। इस वजह से इन्होंने अपना नाम को दे दिया देवपुत्र, ठीक है। देवम समंतास एज वेल, समंतास का मतलब होता है, समंतास का मतलब होता है मैन हू मेंटेन themselves through local resources including control over land, ठीक है। they offer homage provide military support to rulers, power to samantas would become tense। basically kya hota tha samantas, sometimes they were the evidences this could clearly suggest that samantas kahin na kahin king se bhi zyada superior aur powerful hote the। and kaise hame pata lagta, because agar koi king ko hi military support de raha hai, किंग को ही जगह दे रहा है टू इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हिज ओन एम्पायर, तो ऑब्वियसली बात है सामंतास वर वेरी मोर पावरफुल। और अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस देखी गई है जिसमें सामंतास ही अल्टीमेटली जाके इन सम फ्यूचर टाइम दे विल बिकम रूलर, राइट। ये हो गया, ठीक है। गुप्ता, गुप्त रूलर के बारे में हमें पता लगता है प्रशस्ति से, ठीक है, यानी कि प्राप्त प्रशस्ति, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं अलाहाबाद पिलर मिल को बोला गया है। ये प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर कब बोल इन संस्कृत बाय द हरिसेना द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ इन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। देखो आपको करना बेटा इसी तरीके से अपना चैप्टर को रीड करना है। अगर आप ज्यादा ज्यादा टाइम लोगे चैप्टर को रीड करने के लिए, तो आप लोगों से सीयूटी का फिर मतलब डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। सीयूट आपने आपको बोर्ड में तो आपने पढ़ लिया, बट अब हमें सीयूटी से सीयूटी को सीयूटी में जब आप पढ़ रहे हो, यू नीड टू रीड द बुक्स इन सच अ मैनर जो आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई सारी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर सीयूटी पर्सपेक्टिव। अगर बोर्ड की बात करूं तो मैं बोर्ड में और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट सीयूटी में हमें वही चीज वही पैराग्राफ से बात पढ़ना है, उसी क्वेश्चन से पढ़ना है जहां से हमें यह लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो वन वर्ड से रिलेटेबल है, ठीक है। अब हो गया चेंजिंग कंट्री साइड, ठीक है। जात का इन सब जगहों का पता लगता है कि वहां पे बहुत सारे लोग भी थे जो कि क्या नाम है विलेजर्स थे, मतलब काइंड ऑफ अ स्मॉल सोसाइटी थी, यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी होती थी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। स्ट्रैटेजीज फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन की बात करूं, सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन देख लेना,
ट्रांसप्लांटेशन का ऑब्वियसली मतलब हो गया जहाँ पे आप पहली कल्टिवेशन करते हो, ठीक है, जो कि सिर्फ फर्टिलाइजर हो सकती है, ठीक है। बात करूं वाइल द आयरन क्रोशियल बीच ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट्स यूज वर रिस्ट्रिक्टेड टू द सर्टेन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक हो गया। क्योंकि क्यों स्ट्रैटेजी बाय स्ट्रैटेजी ऑब्टेन क्यों हमें प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ी, क्योंकि काफी सारे रीजन ऐसे थे जो कि सेमी एरिड रीजन में सिचुएटेड थे, ठीक है। तो काफी सारी जगह काफी सारे लैंड ऐसे थे जहां पे सिर्फ सेमी एरिड रीजन थे, जहां की सोयल फर्टाइल नहीं थे। तो इन ऑर्डर टू हैव द मतलब इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन काफी सारे आयरन फ्लोस पर मतलब वहां पे खुदाई करी गई, ठीक है, जिस तरीके से कल्टिवेशन होता है। प्लस वहां पे इरीगेशन कैनाल्स लगाए गए, ठीक है, आर्टिफिशियल कैनाल्स, आर्टिफिशियल डैम्स और ये सब वहां पे लगाए गए। क्या हो सकता है, हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। डिफरेंसेस इन एग्री, अगर हम बात करें रूरल सोसाइटी, यस देयर वर द डिफरेंसेस। वहां पे एक और नाम था जिसका नाम था गहपति। गहपति कौन होते थे, गहपति बेसिकली वो लोग हैं जो काफी ज्यादा लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है, उनके पास काफी ज्यादा सामान होता था एंड दे वर पावरफुल, ठीक है, ज्यादा लैंड होने की वजह से दे वर पावरफुल, राइट। वहां पे और भी दो तीन लोग थे जिनका नाम था वेदार, क्लोमैन, उजवा, स्लेज और अदिमैन, ठीक है। तो ये भी वाकई थी जिससे हमें साफ साफ पता लगता है कि यस देयर वर अ डिफरेंशिएशन अमंग द एंटायर सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पता है गहपति इंपॉर्टेंट लोग हो गए, उसके बाद हमने पढ़ा क्या नाम है अद्वाइन, वेदार, ठीक है, ये सारे कौन है, ये पावरफुल सोसाइटी ही है, पावरफुल लोगों का ही ग्रुप है, ठीक है। गहपति कौन हो गए, गहपति वॉज ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड विद एक्साइज कंट्रोल over the men, children, slaves or workers who shared a common residence. For example, एक entire society है जिसमें 10 लोग combined है, तो 10 लोग में सबसे powerful person को जो हर किसी पे control dominate करता है उसको बोल दिया हमने गहपति, ठीक है। अब आ गया आपका land grants and new ruler elite। अगर मैं बात करूं कि land grants क्या है, basically क्या होते थे, land grants का मतलब है अगर किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं तो काफी सारे राजा क्या करते थे, क्योंकि सब अगर देखो, अगर आप वर्णा सिस्टम पे देखोगे, इफ आई टॉक अबाउट द वर्णा सिस्टम, तो वर्णा सिस्टम कैसा रहा है हमारा, वर्णा सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वर्णा सिस्टम होता है हमारे इस तरीके से, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय अगर देखो तो सेकंड पे आते हैं, यानी कि जो किंग्स है, पर ब्राह्मण उनसे भी ऊपर है, इसी वजह से ब्राह्मण का स्टेटस काफी ज्यादा ही सिग्निफिकेंट था दैट टाइम, ठीक है। और क्षत्रिय करते थे लैंड ग्रांट करते थे, और अगर मैं बात करूं जनरली उस टाइम पे काफी ज्यादा पैट्रियार्की सोसाइटी थी, तो राजा की रूलर यानी कि जो मेल पर्सन थे वही रूलर बनते थे। और लैंड ग्रांट्स अगर मैं टॉपिक पे जाऊं तो लैंड ग्रांट्स वो होते हैं जो कि क्षत्रिय अपनी मर्जी से बाय देयर विलिंगनेस दे ऑफर गिफ्ट टू द ब्राह्मण, जिनको बोला था लैंड ग्रांट्स। तो अगर बात करूं इज देयर एनी इन्फ्लुएंस और इंस्टेंस जिसके पता चलता है कभी किसी लड़की जो है लड़की ने भी ग्रांट दिए है, यस वी हैव अ क्या है प्रभावती गुप्ता एज एन एग्जांपल। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री चालुक्य। शी वाज मैरिड इनटू अनदर इंपोर्टेंट रूलिंग फैमिली दैट ऑफ द वाकाटका, ठीक है, वाकाटका हु वाज द पावरफुल इन डेक्कन। According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. However, inscription indicates that Prabhavati had access to land, which she then granted. क्या हुआ? And this may have been because she was a queen. ठीक है, तो क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया पैट्रियार्की सोसाइटी है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई इंस्टांस है जैसे हम ये बता सकते हैं कि भाई वहां पे ऐसे भी इंस्टांस है, ऐसे भी एग्जाम्पल है कि लड़कियों के पास रिसोर्सेस थे और लड़कियों ने भी लैंड ग्रांट्स करें। यस वी हैव एन एग्जांपल ऑफ प्रभावती गुप्ता हु वाज अ डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II और जिनकी शादी भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली में हुई थी, चूंकि जिसका नाम है वाकाटका, ठीक है। और क्या था, इनके पास भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लैंड थे जिनको वो ने लेटर ऑन ग्रांट कर दिया था, ठीक है। और क्योंकि वो बाकी सारी फीमेल से दैट टाइम मुझे काफी लग थी, क्योंकि वो एक रानी थी, दैट्स व्हाई शी हैड अ लॉट ऑफ लैंड, राइट। अब टाउन एंड ट्रेड की बात करें तो मैंने आपको बताया जैसे कि वहां पे मगध की मैं अगर बात करूं, मगध में गंगा इट्स ब्यूटी रिवर व्हिच प्रोवाइडेड चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड वी आल्सो हैव एन एग्जांपल। ऑल मेजर टाउन वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ
on vacation, such as Patliputra, one on riverine routes, others such as Ujjain, even along land routes. लेकिन बहुत जगह पे कोई पानी की जगह पे था, कोई तो लैंड की जगह पे था. तो बी एन एग्जाम्पल, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पोटरी का आती है, वो पोटरी का नाम है, इसको आप पोटरी का नाम याद रखें, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर प्रोबेबली यूज बाय रिच पीपल एंड ऑर्नामेंट टूल्स वेपन्स वेसल्स ग्राइंड्स मेड ऑफ राइन. आप सबसे पहले इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो आपको याद रखना है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यू नीड टू रिमेम्बर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर. क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एमसीक्यू यहां से बन रहा है, ठीक है. चलिए उस टाइम पे काफी हमें गोल्ड स्मिथ, कार्पेंटर, पेंट्रीज, ब्लैक रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट एंड किंग्स, हमें गिल्ड ऑफ शेम्स मिलते हैं. गिल्ड ऑफ शेम्स का मतलब क्या है, बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होती है. गिल्ड्स कौन होती है, गिल्ड्स आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडर्स और बिजनेसमैन और ऑफ मर्चेंट्स, राइट. अभी क्या होता है, वोटिव क्या होते हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिकॉर्डेड गिफ्ट मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. यानी कि कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसपे लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पत्थर पे लिखवा दिया दैट आई एम गिफ्टिंग दिस पर्टिकुलर लैंड टू द टू वन ऑफ द रिलीजियस सेंट, ठीक है. तो वो इंस्क्रिप्शन क्या बन गया, वोटिव इंस्क्रिप्शन. यानी कि वोटिव इंस्क्रिप्शन टाइप ऑफ एन इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई भी चीज हार्ड डिस्क सरफेस पे लिखी है, आप उसकी फर्दर बाइफरकेशन करें. तो वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, वो इंस्क्रिप्शन जिसपे कुछ ऐसी चीजें लिखी है, यानी कि वो चीजें जिसमें ये दर्शाती है कि भाई ये लैंड किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है, राइट. ट्रेडर सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. कॉइन्स एंड किंग, अब इंपॉर्टेंट आते हैं कॉइन्स एंड किंग, ठीक है. तो पांच मार्क कॉइन्स ही बने थे कॉपर एंड उसके कॉपर एंड सिल्वर के. उसके बाद अगर बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये मॉरल एम्पायर का. The first coins to bear the name and images ruler were issued by the Indo-Greeks, which established control over the nation. यानी सबसे पहले अगर कोई ऐसा coin था जिसमें Indo-Greeks सबसे पहला coin जिसमें शकल और नाम किस ruler का किसने छपाया था वो करवाया था Indo-Greek ruler ने, ठीक है. The first gold coin was issued by the Kushanas, ये भी question आता है, ठीक है. Numismatist. Numismatic is the study of coin or numismatist are the person who studies the basically who studies the coin, ठीक है. अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ coin की तो वो पढ़ाई क्या होगी, numismatist, ठीक है. और मैं क्या कहलाऊंगी, numismatist, ठीक है. सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे, वो कुशाना थे. बट जो प्योरिटी के गोल्ड कॉइन इशू करे वो कौन थे, वो थे बेटा जी आपके गुप्ता रूलर्स, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन है सबसे पहले बात गोल्ड कॉइन किसने इशू करे तो आप लिखेंगे कुशाना. बट अगर क्वेश्चन है विद प्योरिटी अगर आ जाए साथ में लिखा हो तो यू हैव टू राइट गुप्ता डायनेस्टी नॉट ऑफ द कुशाना, ठीक है बेटा जी. उससे जो लिखे गए थे ये जो कॉइन्स थे या कोई भी
कंपैरिजन था, उसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट था, तो उन्होंने कंपैरिजन की स्ट्रेटजी ड्रॉप करी, यानी कि उन्होंने जो हमारे देवनागरी और जो संस्कृत और ये पाली लैंग्वेज में जो थे इंस्क्रिप्शन को एक कैटेगरी में रखा और ब्राह्मणिक रोशनी को एक कैटेगरी में रखा। अब उन्होंने क्या किया, उनको कंपेयर किया, अच्छा ये का बन रहा है तो ये का ही होगा ऐसे, ठीक है लेटर वाइज किया, बट ये एक्चुअल डाटा है या नहीं है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। और हमें कई सारी चीजें मिलती है जो इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, ठीक है। अब एक लास्ट में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है बेटा जी द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। तो लिमिटेशन क्या है, यानी कि क्या क्या टेक्निकल लिमिटेशन है। सबसे पहले बात करेंगे समटाइम देर आर द टेक्निकल लिमिटेशन, लेटर आर वेरी फेनली एनग्रेव, यानी कि एनग्रेव कर रखे बट प्रॉपर तरीके से ऐसे दिखाई दे रहा क्या लेटर है क्या नहीं है। दूसरा बात करें वो फेंट भी तो हो जाते हैं लेटर एक टाइम पे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, फेंट हो जाना, समझ गए ना, फेंट हो जाते हैं। उसके बारे में बात करें काफी सारे लेटर मिसिंग है। उसके बारे में बात करें कि जैसे ऐसी किसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं जहां पे अभी तक डिकोड ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो दीज वर द काफी दीज वर द लिमिटेशन ऑफ द एविडेंसेस, ठीक है। सबसे पहले है लेटर वर फेंटली एनग्रेव, दूसरा लेटर वर मिसिंग, थर्ड क्या हो गया जो जो इंस्क्रिप्शन के लैंग्वेज थी आज तक डिसअपीयर नहीं करी गई है, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि वो जो इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है वो सही है या गलत है, ये अजम्पशन है ये सब है, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अजम्पशंस, ठीक है। तो वी नेवर नो कि ये पर्टिकुलर चीज जो इंस्क्रिप्शन में एनग्रेव्ड है वो क्या ठीक है या गलत है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किंग फार्मर्स एंड टाउन्स, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इट्स अ जनरल रिमाइंडर फ्रॉम माय साइड कि केपी क्लासेस ऑफर्स सीयूटी क्लासेस फॉर 2025 फॉर एवरी स्ट्रीम, आइदर यू बिलोंग टू द ह्यूमैनिटीज कॉमर्स और साइंस, प्लस हमारे पास जीडी और लॉ का बैच भी अलग से चलता है। और अगर आप कोर्स के लिए डायरेक्ट एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली एनरोल बाय विद दैट लिंक। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इफ यू वॉन्ट टू वॉच कि मुझे हर एक सब्जेक्ट का डेमो वीडियो चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, तो गो एंड वॉच द डेमो वीडियोस ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। एंड इफ यू नो, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द कोर्स, यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन द गिवन नंबर विच इज ऑल्सो मेंशन्ड अंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। KP Classes, dedicated to excellence.